खेलने से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में परिपूर्ण बन पाता है और जीवन के लक्ष्यों की ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाता है। खेलने से हमें किन किन चीजों के बारे में अधिक नॉलेज जानकारी प्राप्त होती है उन्हें हम इन कथनों से अंदाजा लगा सकते हैं कि माइकल जॉर्डन ने कहा है कि जब आप खेल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप जीत पाएंगे कि हार पाएंगे, केवल खेलिए और खेलने का आनंद लीजिए। हमें खेलने में परिपूर्ण होना चाहिए। किसी महान विद्वान ने कहा है कि मैं उस व्यक्ति से, उस खिलाड़ी से नहीं डरता जिसने 50 कलाएं सीख रखी हैं, बल्कि मैं उससे डरता हूं जिसने एक ही कला की 50 बार प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर। आज यह सोचने की बात है कि जब भारत गुलाम था तब हमने हॉकी में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, किंतु भारत की आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम ओलंपिक में केवल 7 स्वर्ण पदक ही जीत पाए। आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और चीन जैसी महाशक्तियां ओलंपिक में अपना स्थान ऊपर लाती हैं और हमारे लिए खेल मात्र क्रिकेट तक सीमित रह गया। हमारे समाज की प्रचलित कहावत है खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और आज ये बिल्कुल घरी की घरी रह गई है, क्योंकि अनेक बीटेक एमटेक करने वाले युवा आज दर दर ठोकरे खाया करते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती है और बहुत से लोग जैसे सुनील छेत्री, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, ये सब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे किंतु इनके अंदर प्रतिभा थी और प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती और आज ये विश्व में सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि खेल हमारे अंदर आत्मसम्मान की, आत्मविश्वास की अखिल भावना का विकास करता है और आत्मसम्मान का होना हमारे जीवन में कितना जरूरी है हम इन पंक्तियों से इसका अर्थ लगा सकते हैं कि कहा गया है कि जिस पे सर भी ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते, जिस पे सर भी ना झुक पाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अगर वर्तमान की सरकार द्वारा खेलों पर जो ध्यान दिया जा रहा है वह लगातार बढ़ता गया तो एक दिन वह आएगा जब हम 2032 के ओलंपिक तक 50 स्वर्ण पदक लेंगे और संपूर्ण विश्व के सामने एक महाशक्ति बन के उभरेंगे, तो हम आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक प्रत्येक रूप से महाशक्ति होंगे और विश्व पटल पे पूरे सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत, और हमारा भारत उस समय विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होगा, क्योंकि किसी भी देश का विकास केवल आर्थिक या राजनीतिक शक्ति से नहीं होता है बल्कि उस देश के युवाओं के शारीरिक सौष्ठव से होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मेरे देश के वीर जवानों गीता पढ़ना बिल्कुल सही बात है लेकिन फुटबॉल खेलना भी उतना जरूरी है। आपको मानसिक रूप से स्ट्रांग होना जरूरी है लेकिन शारीरिक रूप से भी सक्षम बनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक बलवान व्यक्ति के सामने अगला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। शक्ति को ज्ञान से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, शक्ति को बुद्धि से परिभाषित कर सकते हैं। धन्यवाद।